जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों आज की क्लास जो है ये डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए है, आप सभी के लिए जिन छात्रों ने E1 ग्रुप से फॉर्म को अप्लाई किया था, जिन्होंने डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए UP पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए आज की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको बायोलॉजी के छात्रों के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, किनका प्रयोग था कि जिन्होंने बताया था कि हम अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी फिर किसी अन्य पीढ़ी में ले जाने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं, तो ये प्रयोग किसने सिद्ध किया था? तो वो किया था आपके मेंडल महोदय ने, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक जीजे मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका निधन जो है ये 1884 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, 1884 यानी 1884, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन 1884 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, कौन सा समूह होता है? तो वो होता है XY। वही दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि मनुष्यों में पुरुषों की जगह महिलाओं के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, तो वहाँ पर आप YY लगा करके करेक्ट आंसर लगा के आते, ठीक है? तो दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीन। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जीन्स। दोस्तों आपको टोटल 50 प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं उसको कराना है, तो 50 प्रश्नों कराने हैं, इसलिए हम आपको प्रश्न थोड़ा तेज़ी से कराते हुए चल रहे हैं, ताकि हम आपको पूरा प्रश्न आज करा सकें और वीडियो काफ़ी लंबी भी ना हो। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, मेंडल महोदय ने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने संकरण के लिए यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया के लिए मटर के पौधे को ही चुना था। तो ये बताइए कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? मेंडल महोदय ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने का ही चुनाव क्यों किया था? तो इसलिए किया था क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, जो मटर के दाने थे उसमें सभी में अलग अलग विषम विषम प्रकार के गुण दिखने वाले थे, तो यही कारण था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने का ही चुनाव किया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता है, विविधता क्या है? तो विविधता जो है ये एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, और माता पिता और संतानों के बीच अंतर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर A, 2 और D, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो मेंडल ने किस नियम के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो वो दिया था एक संकर संकरण के आधार पर, यानी कि गोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला रोगाणु कोशिका यानी जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 होती है, और जो ये 23 होती है ना, ये 23 जोड़ी होती है। क्या होती है? 23 जोड़ी होती है। तो आपको केवल 23 याद नहीं करना है, आपको 23 जोड़ी पूरा याद करना है, ठीक है? दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन में 23 न देता तो क्या करते? अगर आपको ऑप्शन में केवल 48, 46, 24 और मान लीजिए एक ऑप्शन आपका
40 देता था, तो आप क्या करते, आपको 23 ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तब क्या करते, तो आप लगाते यहाँ पे 46 यानी 46, क्योंकि आपके जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं और दो दो के जोड़े होते हैं, यानी कि 23 का अगर दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 46 ही आएगा। तो अगर आपको 46 ऑप्शन में दिखता है तो 46 करेक्ट आंसर होगा, पर अगर आपको 23 दिखता है तो वो किसी भी हाल में 23 ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 23 जोड़ी के रूप में होते हैं जो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधित रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो देखेंगे ना वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि डेंगू बुखार जो है ये मच्छर से ही जनित होता है, और किस मच्छर से होता है ये आपको मैंने बता रखा है। तो डेंगू जो होता है विषाणु से होता है, और ये जो रोग होता है ना डेंगू जो बुखार होता है ये इतना ख़तरनाक होता है कि ये हड्डी के अंदर ही होता है, ये बुखार जो होता है ये हड्डी के अंदर ही आता है, और ये काफ़ी तेज़ी से शरीर को पूरा तोड़ कर रख देता है और बहुत सारी कमजोरी हो जाती है शरीर में, तो इसलिए इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि ये हड्डी के अंदर ही बुखार होता है और ये खुल कर बुखार नहीं आता है, ये हड्डी के अंदर ही बुखार आता है और आपके अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, बताइए कोई व्यक्ति है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, आप किसे दिखाएंगे इसे, क्या आप आस्टियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आस्टियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं, तो जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होगा उसे आप दिखाएंगे अर्बुद विशेषज्ञ को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि अर्बुद विशेषज्ञ, ठीक है। तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा, मूत्र विज्ञानी समझते आप हैं कि जो मूत्र से संबंधित रोग होगा और रोग कारक यानी कि आम रोग जो होते हैं उससे संबंधित होता है, अर्बुद विज्ञान जो होता है अर्बुद विशेषज्ञ जो होते हैं ये कैंसर का उपचार करते हैं, और आस्टियोलॉजिस्ट से आप एक प्रश्न और याद कर लीजिए, जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है आप सभी जानते हैं विटामिन डी से कमी से सूखा रोग होता है, पर विटामिन डी की कमी से एक रोग और होता है, अगर आपसे दो रोग पूछ लिया जाए तो आप कभी नहीं बता पाएंगे, आपको केवल एक ही रोग पता होगा, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। तो एक रोग और जान लीजिए विटामिन डी की कमी से होता है, उसे कहते हैं आस्टियोमलेशिया, क्या कहते हैं आस्टियो, यहाँ पे आपको मैं डैश लिख दे रहा हूँ, मलेशिया, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, दो प्रश्न बनते हैं आपके इससे हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार से कैंसर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो वो करता है आपका ल्यूकेमिया, ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करा रखा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसका अक्सर सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है ECT, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वलसिव थेरेपी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये नीट का है और मुझे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, ये आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, तो इस प्रश्न को काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो क्या होती है रेबीज होती है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, हाइड्रोफोबिया जो है ये रेबीज का विषाणु होता है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए, हाइड्रोफोबिया जो है ना ये एक ऐसा रोग होता है, बहुत ध्यान समझिएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा, हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग होता है जो कि रेबीज, आपको कुत्ता काट लेगा तो उसके मुंह में क्या होता है लार्वा होता है किसका रेबीज का, रेबीज विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया होता है, और हाइड्रोफोबिया रोग का लक्षण ये होता है कि जिस व्यक्ति को रेबीज होता है उसे पानी से डर लगता है, तो ये पानी से डर लगने का जो रोग होता है इसे ही कहते हैं हाइड्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरात्र संबंधी संक्रमण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलन जीव है, तो कौन सा ऐसा जल जीव है जलन जनित या फिर जल में उपजने वाला या फिर जल जनित जिसे कहा जाता है, तो
तो जल जनित रोग कौन सा है, तो वो है हैजा। हैजा जो है ये दूषित पानी से ही फैलता है, तो हैजा हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, इनमें से कौन सा जल जनित रोग है, तो हमने अभी पहले प्रश्न में किया था, तो हैजा जो है ये हमारा जल जनित रोग है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है, तो एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स के परीक्षण को किया जाता है, तो मनुष्य के एलर्जी जांच में एड्स जांच का कोई भी महत्व नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि एलिसा परीक्षण किसके जाँच के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स के जाँच के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं से सजीवों का उपयोग का नियोजन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम में नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी अपराधी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक टीम जो होती है वो किस तकनीक का यूज करती है, तो वो करती है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था, तो वो किया था फ्रेडरिक मेयर ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर हम आपको डेली बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चंस कराते हैं और मॉक टेस्ट भी कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पर मॉडल पेपर के तौर पर क्विज देना चाहते हैं, तो क्विज देने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मासोप्रिलियस का उदाहरण है, तो मासोप्रिलियस का उदाहरण कौन सा है, तो वो है कंगारू। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं। दोस्तों ऊंट तो सभी ऊँटों को कहते हैं, पर जो एक कुबड़ वाले होते हैं उन ऊंट को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रोमेडरी। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं ड्रोमेडरी, ठीक है। ड्रोमेडरी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ड्रोमेडरी उन ऊँटों को कहा जाता है जो कि एक कुबड़ वाले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, सील मछली जो होती है इसके द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं स्कीच। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्कीच जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को स्कीच कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, पॉड के नाम से जानते हैं। लीमर क्या है, लीमिर क्या है, तो लीमिर जो है ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसे कि लीमिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीवी पारा क्या है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में भी कराया था। वीवी पारा जो है ये धमनियां हैं जो कि जिंदा पैदा होती हैं, जिंदा पैदा होने वाली धमनियों को क्या कहते हैं, वीवी पारा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है, तो यहाँ पर पांडा ग्लोबल, अवास्टा या फिर कैस्पिस्क जो है ये तीनों एक ही समूह संबंधित हैं, पर ये जो रैबिट है ना, रैबिट यानी खरगोश, ये आपका ये जो है सबसे अलग है, इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा रैबिट, यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनपायियों में या फिर स्तनधारियों में पाया जाता है, तो स्तनधारियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कथन को पूरा करें, एक मदकालिक यानी फिर मोनोएस्टेट जंतु में होता है, क्या होता है, मोनोएस्टेट जंतु में क्या होता है, एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करने वाले जंतु जो होते हैं, एक वर्ष में यानी 1 ईयर में एक ही बार
प्रजनन करने वाले जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें हम मोनोएस्टाइस या फिर एकमदकालिक कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, किडनी जो होती है इसकी संरचनात्मक इकाई है तो वो है निफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंश नहीं है? तो आप सभी जानते हैं जो मूत्रवाहिनी, गुर्दे या फिर मूत्राशय, मूत्रमार्ग है, ये सभी आपके मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्र से संबंधित ही भाग हैं। पर जो गर्भाशय है ये जो है ये सबसे अलग भाग है, इसका मूत्रमार्ग से कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सबसे अलग है, तो इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो वो यौगिक जो है वो कहलाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो कौन सा होगा, क्या पित्ताशय होगा, गुर्दे होगा, तिल होगा या फिर प्लीहा होगा, इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत बार करा रखा है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है गुर्दा, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे गुर्दा हमारा करेक्ट होगा। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? वो है आपके गुर्दे से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो मैंने आपको प्रश्न अभी पूछा था कि कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, तो उसका जो आंसर है वो मैंने आपको दो क्वेश्चंस का आंसर अभी दे दिया है, तो आप बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, किसे संबंधित है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे संबंधित है? वो है उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। वास डिफरेंस से आने वाली जो ट्यूब के साथ एक जुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, तो वो जो मार्ग होता है वो होता है मूत्राशय, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों को सही किया आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मांसपेशिया मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, मांसपेशिया मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण पे होने पर, यानी अगर आपकी मांसपेशिया ही इसके नियंत्रण में, आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, तो आप अपने मूत्र को त्याग में नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, तो निसल कणिकाएँ जो हैं ये तीनों ऑप्शन से, इन तीनों ऑप्शन से सबसे अलग हैं, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका कोरोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कोरोनरी धमनी हमारा करेक्ट होगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो या दो से अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं? तो वो निर्माण करती हैं युग्मनज का, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा और इसका आंसर आप सभी अच्छे से दे सकते हैं। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है कि वह संभवतः बना सकता है, क्या बना सकता है? तो दोस्तों वो बना सकता है एंडोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स को बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो जीवाणु जो है इसके लिए कोई भी एक स्थिति नहीं चाहिए, कोई भी एक ऐसा माहौल नहीं चाहिए, कोई इसको परिस्थिति नहीं चाहिए कि ये उपज ना हो सके, इसका पनप ना सके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा जीवाणु हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है,
सबसे बड़ा स्तनपाई यानी स्तनधारी कौन सा है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। क्या अफ्रीकी हाथी होगा, नर दरियाई घोड़ा होगा, ब्लू व्हेल होगा, या फिर नर हैमरेड शार्क होगा? तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। फाइनली दोस्तों, ये था हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चन इजी लगे, टफ लगे, या फिर मॉडरेट लगे, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका निश्चित रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बात रही कि आपको इंग्लिश की समस्या है, तो इंग्लिश के लिए हम इस वीडियो में, वीडियो अपलोड होने के करीब 1 से 2 घंटे के बाद इसका सब्स्टिट्यूट अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।